नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेलिन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी एक कॉमन क्वेरीज आ रही थी। क्वेरीज ये थी कि सर, टेक्ला और ईटेप्स के बारे में डिफरेंस बताइए। और इसका रीजन है कि जहां पर देखिए वहां पर आपको टेक्ला की या ईटेप्स की ओपनिंग्स मिलती है। आजकल बहुत ज्यादा ओपनिंग्स मिल रही है, आजकल इन द सेंस अभी का टाइम छोड़ के मैक्सिमम देखेंगे तो आपको ईटेप्स और टेक्ला की डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स मिलती है। लेकिन हम सब कंफ्यूज रहते हैं, मतलब आप में से कई ऐसे फ्रेशर्स रहते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि ईटेप क्या है, टेक्ला क्या है, ईटेप करूं या टेक्ला करूं, क्या सीखूं, एग्जैक्टली समझ में नहीं आता आपको। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ईटेप और टेक्ला में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईटेप जो है वो एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, और टेक्ला जो है वो डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है? वो डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको 3D डिटेलर बनना है, क्या बनना है? 3D डिटेलर बनना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, दैट इज सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड टेक्ला। बट अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वो ईटेप्स है। दोस्तों, ईटेप्स और टेक्ला में डिफरेंस कैसे रहता है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमको मिलते हैं अगर, तो प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम क्या करते हो आप उसकी प्लानिंग करते हो। किस पे करते हो? ऑटोकैड पे करते हो। करेक्ट, करेक्ट। दूसरा काम क्या होता है प्रोजेक्ट को लेके? दूसरा काम होता है आर्किटेक्चर के लिए आप जाते हो, उसका 3D मॉडल अच्छा सा बनाते हो, जिसके लिए आप रेविट यूज करते हो मैक्सिमम। कुछ लोग 3ds Max, कुछ लोग गूगल स्केचअप, अलग अलग सॉफ्टवेयर आर्किकैड यूज करते हो। क्या हो गया आपका 3D मॉडलिंग बन चुका है। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग किसके थ्रू करते हैं? डिजाइनिंग और एनालिसिस। तो डिजाइन और एनालिसिस किसके थ्रू करते हैं? ईटेप या स्टैट प्रो के थ्रू कर लेते हैं। किसके थ्रू? ईटेप या स्टैट प्रो। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचता है डिजाइनिंग होने के बाद, उसके डिटेलिंग निकालनी पड़ती है कि उसमें अगर स्ट्री स्ट्रक्चर की बात करूं तो फैब्रिकेशन कैसे दिखेगा, उसमें अगर बात करूं गसेट प्लेट कैसे लगेगा, उसके बाद अगर बात करूं तो अपेक्स हंजेस कैसे कैसे लगेंगे, स्प्लाइस कैसे कैसे लगेंगे, ये सारी डिटेलिंग जो है वो किसके अंदर होती है? टेक्ला के अंदर होती है। तो ये काम है टेक्ला का। बट टेक्ला से पहले, मतलब कि अगर आप देखें तो पहले डिजाइनिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर आपका यूज होने वाला है? वो होने वाला है ईटेप। कॉमन डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा आपको। ईटेप या स्टैट क्या है? वो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, और टेक्ला डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। ये टेक्ला एक तरफ से अलग है और ये अलग है। सो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेस करिए तो बेटर रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है, कोर डिजाइनिंग में है, तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप ईटेप या स्टैट प्रो करिए। और अगर आपका इंटरेस्ट स्टील स्ट्रक्चर में, आरसीसी स्ट्रक्चर की डिटेलिंग्स में है, स्टील की डिटेलिंग कैसे कैसे बनेंगे, ट्रस कैसे दिखेंगे, ट्रस उसका रियलिस्टिक व्यू कैसे दिखेगा, ये सारा कुछ अगर डिटेलिंग में आपको इंटरेस्ट है कि ये कोई अगर ब्रिज है उसमें कितना स्टील लगा होगा, कितना उसमें सीमेंट लगा होगा, कितना कंक्रीट लगा होगा, ये सारा कुछ अगर आपको जानने का इंटरेस्ट है, ये समझने का इंटरेस्ट है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर टेक्ला है। अगर आप में से कोई चाहता है कि उसका खुद का बिजनेस हो, तो उसके लिए मैं प्रीफर करना चाहूंगा दोनों सॉफ्टवेयर। खुद का बिजनेस में दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ही एक शख्स रहोगे जो सबसे पहले प्लानिंग करेगा ऑटोकैड पे, रेविट पे मॉडलिंग करेगा, उसके बाद आप ही रहोगे जो ईटेप या स्टैट पे आप एनालिसिस और डिजाइन करोगे, उसके बाद आपको ही करना पड़ेगा डिटेलिंग, जिसके लिए आप टेक्ला को यूज कर सकते हो। सो होप आपको अभी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि टेक्ला और ईटेप्स के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। टेक्ला जो है ये ट्रिम्बल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और ईटेप जो है वो CSI कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अभी मेरी करंट बैच जो कल से चलने वाली है वो टेक्ला की है, और ईटेप की तो करंट दो दो बैचेस चल रही है, लेकिन अभी टेक्ला की बैचेस कल से है स्टार्ट होने वाली। जितने भी लोग हैं जिनको अभी टेक्ला में इंटरेस्ट है, आप मेरे से आज ही कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि कल कॉन्टेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो लोग सीख, क्योंकि देखिए टेक्ला सीखने से पहले स्टील सीखना पड़ता है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का आपको पता है, मैं पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ फिर सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज ओनली एंड ओनली कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर तो कोई भी चला सकता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स आती है तब, तो पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, फिर बात करता हूँ कि आप देखो ये मैथमेटिक्स को करना है तो इसको सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे करोगे। दोस्तों, मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हो कि भाई हम किस लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो प्लीज इसको शेयर करना ज्यादा लोगों तक। शेयर करोगे तो क्या होगा, मैं फिर से आपके साथ कल मिलूंगा। और ढेर सारी जो भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज नीचे कमेंट करो अपने क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को कमेंट करने से फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हो। तो आपने वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात है, वीडियो के बाद कमेंट कर दो, अच्छा है तो, बुरा है तो भी कमेंट करो। और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, किससे रिलेटेड, क्योंकि कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे करते हो यार। व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते रहते हैं, इवन अपना यूट्यूब का ज्यादा सही रहता है। यूट्यूब पे आप कमेंट करिए,
तो वहां पे कमेंट बहुत जल्दी मिल जाते हैं अपने को। सो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट करिए कि मुझे कौन से टॉपिक चाहिए और वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करो। और कई लोग कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, मैं कई लोग व्हाट्सएप में बोलता रहता हूँ थैंक यू, क्योंकि वो लोग स्टेटस लगा कर रख देते हैं और इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि आप स्टेटस लगा रहे हो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। और जितने लोग भी टेक्ला के लिए है, अगर उनको अभी तक मैंने आपको लॉगिन आईडी नहीं दिया हो तो फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर लेना यार, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, जिससे कि कल मॉर्निंग में 7:30 पर आपको प्रॉब्लम ना हो, उस क्लास हमको स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।